उसके परिवार आश्रित परिवार को मिलेगी। इस प्रकार की योजना ऐसा बताया गया कि लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत के जो भी उपकरण हैं या अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं इस कार्यक्रम में आवंटित किए जाएंगे। और जैसा स्पष्ट लगता है इस मेले के नाम से ये अंत्योदय मेला है। अंत्योदय का मतलब है कि समाज का ऐसा वर्ग जो बहुत खुशी रह गया जिसको हम गरीब भी कह सकते हैं। और हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि इस वर्ग को आगे लाना, अपनी सम्मानपूर्ण जिंदगी जी सके इस बात का प्रयास करना। और आपने जो योजना जिनके लाभ मिल रहे हैं ये जो 2 करोड़ अभी मिल रहा है, इसके अलावा भी आवास में भी लगभग इस क्षेत्र में शायद इस ब्लॉक में 350 आवास बने हैं जो आवंटित हो रहे हैं। और इसमें लगभग 41 करोड़ रुपये लगा है तो वो भी आपको मिल जा रहा है। प्रयास की योजनाएं आप देखिए, एक ही प्रयास है कि गरीब आदमी को हम कैसे ऊपर लाएं, उसके हालात को कैसे सुधारें, उसके जीवन को कैसे सम्मानजनक बनाएं। इसके लिए हम श्रेय दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इस कार्यक्रम में बहुत तेज गति हुई है और आज पूरी दुनिया भारत की इस प्रगति को देख रही है। और स्पष्ट है एक बात का अंदाज लग रहा है कि आने वाले 5 साल में इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास खुद का पक्का मकान ना हो और इस देश का कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो आर्थिक रूप से सक्षम हो और इस देश का कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो सम्मानपूर्ण जिंदगी ना जी सकता हो। ये सारी योजनाएं उन्हीं को समर्पित हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व है। और आप भी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें, जो हमने इतने लंबे समय तक कष्ट झेलना था, जैसा भाटी जी भी उल्लेख कर रहे थे, जब कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि उन्हें पर्याप्त समय मिला, नहीं कर पाए, अब खुद नहीं कर पाए तो दूसरे को भेज देने से उचित नहीं होगा। और जनता इतना समझती है, दोनों के कामों की तुलना कर सकती है, इस नाते हम ऐसा फैसला करें कि भविष्य में भी हमारे लिए लाभदायक हो। और जो सपना नरेंद्र मोदी ने देखा है या शिवराज सिंह चौहान ने देखा है, इस सपने को साकार करने में उनका सहयोग करें और सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।